अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद मलिक और आप देख रहे हैं अली स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच 11 फरवरी को जुमेरात के दिन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर को 3:30 पर शुरू होगा, भारतीय टाइम के मुताबिक दोपहर के 4 शुरू हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको पाकिस्तान की कन्फर्म प्लेइंग 11 बताने जा रहा हूँ और ये बताऊँगा कि आप लाइव मैच अपने मोबाइल पर और टीवी पर कैसे देख सकते हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 में शाहीन अफरीदी को रेस्ट दिया जाने का इम्कान है, तो बहुत ही बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। उससे पहले हमारे चैनल अली सपोर्ट्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप क्रिकेट का कोई भी मैच अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपके सामने वीडियो में तरीकाकार भी शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक को ओपन करें, यहाँ से आपको एप्लीकेशन मिलेगी, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें, फिर आप क्रिकेट के तमाम मैच अपने मोबाइल पर आसानी के साथ लाइव देख सकते हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हो या फिर इंग्लैंड और इंडिया के मैच हो, T10 हो, PSL हो, IPL हो, सारे मैच लाइव देख सकते हैं। बेहतरीन एप्लीकेशन है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपके सामने तरीकाकार भी शो हो रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहले T20 मैच की, और उसमें पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है, अगर बात की जाए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की के 11 फरवरी को जुमेरात के दिन मैच में पाकिस्तान के कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे, तो बाबर आजम करेंगे ओपनिंग और दूसरे ओपनर होंगे मोहम्मद रिजवान, नंबर 3 पर होंगे हैदर अली, नंबर 4 पर होंगे इफ्तिखार अहमद, ये कंफर्म है, जबकि नंबर 5 पर हुसैन तलत और खुशदिल शाह और आसिफ अली, 5 और 6 की बात कर रहा हूँ, यानी 2 में मैंने 3 खिलाड़ियों के नाम लिए हैं, इनमें यानी 3 में से 2 खिलाड़ी होंगे, और आसिफ अली और हुसैन तलत के इम्कान ज़्यादा लग रहे हैं खुशदिल शाह की नस्बत, लेकिन खुशदिल शाह भी हो सकते हैं, तो मैंने 2 और 6 पर 3 खिलाड़ियों के नाम लिए हैं, 2 खेलेंगे, फहीम अशरफ कन्फर्म है, जबकि इसके बाद आपको बात की जाए, अगर आपसे बात की जाए तो उस्मान कादिर खेलेंगे स्पिनर में, एक ही स्पिनर यानी कि उतारा जाने का इम्कान है मैदान में, जबकि 4 जो फास्ट बॉलर उतारे जा रहे हैं उनमें फहीम अशरफ तो ऑलरेडी हो जाएंगे ना, उसके बाद हसन अली, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन। जी हाँ दोस्तों, शाहीन अफरीदी को रेस्ट दिया जाने का इम्कान है, और ये ज़राए से मालूम हुआ है कि शाहीन अफरीदी पर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड और बोझ था, टेस्ट भी मुसलसल खेल रहे थे, क्रिकेट मुसलसल खेल रहे थे, तो शाहीन अफरीदी को रेस्ट दिया जाने का इम्कान है, उनकी जगह मोहम्मद हसनैन को मैदान में उतारा जाएगा, हसन अली भी खेलेंगे, हारिस रऊफ भी खेलेंगे, मोहम्मद हसनैन खेलेंगे, और चौथे फास्ट बॉलर फहीम अशरफ होंगे, साथ में ऑलराउंडर भी है, स्पिन में उस्मान कादिर होंगे और साथ में इफ्तिखार अहमद भी करा लेंगे। तो ये है पाकिस्तान की प्लेइंग 11, अल्लाह हाफिज़। अगर आप मोटिवेशनल और हकीकत पर मबनी सबक आमोज वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, यूट्यूब सर्च में जुनेद फयाज लिखें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, बहुत शुक्रिया।